तू कहाँ दूर दूर जाके लड़के देखती है? अपने कोई आसपास का ही लड़का देख ले जो हैंडसम हो, यंग हो एंड क्रिएटिव बिजनेस वाला हो और थोड़ा एक्स्ट्रा केयरिंग भी हो। बन गया ना पूरा? हाँ अच्छा लग रहा है। हाँ अरे लास्ट टाइम जिस लड़के के बारे में बताया था, अरे वही आलोक जिससे तुम शादी के लिए मिलने के लिए गई थी, उसकी फ्रेंड का ना बार बार फोन आ रहा केरला से, शायद मिसिंग है वो। सही बन गया ना? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ फोटो ले। हाँ ले। जस्ट सॉरी। अच्छी लेना। हाँ वैसे तो मेरे हाथ वैसे भी बहुत सुंदर है। तुम भी तो सुंदर हो। चलो फोटो। मैं भी लेती हूँ एक। हाँ एक नंबर आई है देख। फिर आए अच्छा चल मैं भी तेरी एक टैटू बनाती हूँ। ठीक है। कोई अच्छा लड़का बताना जो हैंडसम हो, जिसका कोई परिवार ना हो और पैसे वाला हो। हाँ हाँ है ना एक लड़का रामपुर में, बेसिकली वो केरला से है प्रमोद, पर वो शादी के लिए यहाँ पर आया है। ले बन गया। हाँ इसका एक फोटो लें। ये तो आलोक है। तुझे क्या लगा कि तूने छुपके से फोन लेके फोटो देख ली? नहीं रे, मैंने तुझे फोटो देखने दिया। ये क्या किया तूने? वो मम्मी पहली बात तो ये कि तू आदमी जात को घर में लेके आई क्यों और इसे तूने यहाँ क्यों मारा? टैटू बनाना सीखने के लिए लेके आई थी घर पे। टैटू कब बनाना था तुझे? हाँ आप ना आप कुछ समझती नहीं है। मैं बताती हूँ आपको एक मिनट। ये देख रहे हो मौसी, आपने इनको मारा था ना, थर्ड पेज पे न्यूज आई थी। और मम्मी आपने इनको मारा था, पांचवे पेज पे न्यूज आई थी। अरे कोई सिग्नेचर ही नहीं है तो फर्स्ट पेज पर खबर कैसे आएगी? फेमस होना है ना तो सिग्नेचर तो बनाना पड़ेगा, इसलिए हम टैटू बनाना सीख रहे थे। तुम आजकल के बच्चों के सिर पे ना ये फेमस होने का भूत सवार रहता है। अरे लेकिन अपना सिग्नेचर पहले से ही है, अपन मांग भरते हैं मांग। क्या हो गया? तुझे तो पता ही है तेरे पापा से शुरू हुई थी ये मांग वाला सिग्नेचर। उस टाइम तू बहुत छोटी थी, एक दिन मैं मांग भरना भूल गई, उसने मुझे बहुत मारा और बस उस दिन मेरी जीजी के सबर का बांध टूट गया और फिर इसी हसीये से जीजा जी के सिर को 20 से काट दिया, उनकी मांग भर दी।
फिर उस दिन के बाद से हमें मर्दों की मांग हसियों से भरने में मजा आने लगा। जीजी, हम कुछ गलत भी तो नहीं करते हैं ना? शादी का दूसरा नाम तो बर्बादी ही है, तो हम तो भैया ऐसे ही भले। शादी के लालची इन मर्दों से पैसे लेकर इनको इनके जीवन से मुक्ति दे देते हैं। अच्छा ही तो करते हैं ना जीजी। अरे इसमें क्या अच्छा काम है? हा? अरे क्या अच्छा है इसमें? ये सीने में चाकू मारने का काम पहले नहीं कर सकती थी, अब फिर से खून साफ करना पड़ेगा। सॉरी मम्मी, भूल गई, ये हम साफ कर देंगे, बट आप ये बताओ कि इस लाश को छुपाना कहाँ है? चीची, हाँ पीछे, हाँ पीछे खड्ढा खोद के इसको गाड़ दो, जहां तेरे जीजा को गाड़ा था। सर ये मैडी है, मेरा बिजनेस पार्टनर, 2 दिन से गायब है सर। फोन पे कह रहा था किसके घर जा रहा है टैटू बनाने। कुछ बताया था इसने किसके घर जा रहा है? कुछ बताया तो नहीं सर, पर हाँ सर, मैडी जब भी टैटू बनाता है ना सर, तो उसको फोटो खींच लेता है सर, और वो फोटो क्लाउड में सेव हो जाता है। वो होता है ना सर, इंटरनेट पे फोटो अपने आप ही सेव हो जाता है सर, इसमें भी वैसे ही सेव होगा सर। एक मिनट दिखाता हूँ, ये देखिए सर। पांडे इनको लेके जाओ और FIR लिखवाओ। चलो। ऊपर वाला ऊपर से जोड़ियां बनाकर भेजता है, हमारा तो काम है उन्हें यहाँ नीचे मिलाने का। जी। अभी तक 200 शादियां करा चुकी हूँ। देखिए भाई साहब, एक बात बोलूं? बुरा मत मानिएगा, आपकी उम्र लगभग 35 साल है और हमारी लड़की की 22 साल। अब 13 साल का फर्क है तो 13 लाख तो लगेगा ही ना? जी आप ठीक है, बट प्राइवेट में थोड़ा बात करना। हाँ हाँ चलिए। हाँ बोलिए। मैं ये पूछ रहा था कि आपने ये लड़की के बारे में पूरा मालूमात कर लिया ना, चेक कर लिया ना? देखो भाई, मैंने लड़की का अगला पिछला सब चेक कर लिया है, बहुत ही भले परिवार की लड़की है। और देखो ऐसा है, अगर तुम्हें कोई डाउट है तो कैंसिल कर दो, उन्हें तो और बहुत अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, आप तो बुरा मान गए। दरअसल मैं जल्द से जल्द शादी करना चाह रहा। दरअसल मैं दुबई में अकेला रहता, तो वहाँ खाने पीने का, मेरे घर का काम काज का बहुत प्रॉब्लम होता, अकेला हूँ ना मैं उधर। तो लाओ एडवांस, लड़की की माँ को देना है। शादी पक्की समझो? मेरी तरफ से बात एकदम पक्का है। ठीक है चलो। मेरी तरफ से रिश्ता पक्का। शादी की शर्तें तो सुन लो हमारी। शादी मंदिर में होगी, मंदिर में शादी करवाने वाले पुजारी के अलावा हमें वहां पे कोई नहीं चाहिए, ना कोई फोटो ना कोई मेहमान। हाँ ठीक है। वो क्या है ना कि हमें ये सब चीजें ना पसंद नहीं है। जी मेरा भी एक कंडीशन, शादी कल का कल होगा।
अरे क्यों नहीं क्यों नहीं, जरूर जरूर। अरे बधाई हो। बस आपको भी बहुत बहुत बधाई। बस बस आपको भी बधाई हो। समोसा, समोसा कब उठाया? देखो बोला था ना शादी तक सामने नहीं आना। बेटा तेरे लिए नई माल आ रहा हूं, वह दुबई में खाने पीने का घर का काम वो ही करेगी ना, या तू करेगी ये सब? नहीं ना, छुप के रहना है, समझा? हाँ, अपने पति की बेरहमी से हत्या करना ललिता का पहला अपराध था। भले ही उसने यह अपराध अपने पति के अत्याचारों से तंग आकर किया, पर इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। वो चाहती तो कानून की मदद ले सकती थी, पर एक अपराधी सही और गलत में हमेशा गलत यानी जुर्म का रास्ता ही चुनता है। और इस पहले अपराध के बाद ललिता ने अपनी छोटी बहन सरिता और बेटी बबीता के साथ मिलकर और भी कई हत्याएं की। पर क्या ये हत्याएं सिर्फ पैसों के लिए थी? नहीं, अपने शिकार को इतनी बेरहमी से मारकर जिंदगी और मौत के खेल में जीतने का मजा आने लगा था इन तीनों को। क्रिमिनल साइकोलॉजी में ऐसे किलर्स को टीम किलर्स कहा जाता है, जो एक टीम बनाकर अपने शिकार पर हावी हो जाते हैं और फिर उसे बेबस करके इन्हें शक्तिशाली होने का एहसास होता है। अब तक तो हत्या के बाद ये तीनों कोई सुराग नहीं छोड़ती थी, पर इस बार ये इस बात से अनजान थी कि प्रमोद के घर में उसकी 10 साल की बेटी भी मौजूद थी। हाँ सर, वो गन के टैटू वाली लड़की का पता चल गया है सर। बबीता नाम है उसका। हाँ सर, मैडी बहुत पसंद करता था उसे। बार जीत गया। मेरी भी गिनती पूरी हो गई, पूरे 12 लाख हैं। अब बारी है आखिरी रसम की, मांग भरने वाली रसम। मांग भरना? पर मम्मी जी, बबीता का मांग तो आज सुबह मंदिर में भर दिया ना। यहाँ तो ताला लगा है, लगता घर में कोई नहीं है। सर, सर ये तो मैडी की बाइक है। पड़ोसी को बुलाओ। सर 2 दिन पहले कहीं गए तीनों, माँ बेटी और मौसी, गाड़ी करके गए थे। ई ट्रेवल वाली गाड़ी है वो, हमेशा उसी से जाते हैं वो। और हाँ सर, खुद ही चला के लेके जाते हैं, ड्राइवर भी साथ नहीं ले जाते। हाँ,
अरे यार सिग्नेचर बनाना था ना, टैटू बनाने वाली मशीन ही लाना भूल गई मैं मौसी। तू और तेरा सिग्नेचर, ये ले इससे बना सिग्नेचर। तुम लोग क्या टाइम पास करो, जल्दी निपटाना इसको। अरे जीजी करने तो इसे, मैं आपकी मदद करती हूँ। हेलो, मैं देवरिया थाने से इंस्पेक्टर त्रिपाठी बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं ललिता बोल रही हूँ। टैटू बनाने वाला लड़का मेंडी गायब है 4 दिन से। वो आपकी बेटी का टैटू बनाने आया था और उसकी बाइक आपके घर के सामने मिली है। क्या आपकी बेटी बबीता से बात हो सकती है? इंस्पेक्टर सर, आज हम ना किसी की शादी में आए हैं, आप कहें तो हम कल मिल सकते हैं। बचाओ, ये लोग मुझे मार डालेंगे। हेलो हेलो, ये न्यूज कटिंग अपने एल्बम में लगा लेना कि 3 औरतें जेल में पहुंच गई। जी जी, पुलिस वाले ने कुछ सुना तुम्हें? नहीं, मुझे नहीं लगता उसने कुछ सुना होगा, मैंने फोन जल्दी से काट दिया था। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। और तू क्या मुंह बना के खड़ी है, जल्दी से निपटा इसको। ये की ट्रेवल्स वाले से गाड़ी की लोकेशन पता करो और फौरन रामपुर पुलिस को खबर करो, एक आदमी की लाइफ खतरे में। ओके सर। छोटी। हाँ जी जी। ये देख, ये कमरा लॉक है, इसका मतलब है इसके अंदर बहुत सारा माल है, तू इसकी चाबी ढूंढ जरा। सुन। हाँ जी जी, उसकी जेब में चेक कर। लेके आ जल्दी। अरे आना, बहुत माल हो गए यहाँ पे। तू कौन है? छोटी मार इसको। लेकिन जीजी, हमारा तो उसूल है, हम सिर्फ मर्दों को मारते हैं, ये तो बच्ची है ना। अरे छोटी समझ बात को, ये हमारे लिए खतरा बन सकती है, मार इसको, इसको छोड़ नहीं सकते हम। जीजी। अरे तेरे से नहीं होता ना, चला। त्योरी पुलिस ने हमें यहीं की लोकेशन भेजी थी, कहा था एक आदमी की जान खतरे में, जल्दी करो आसपास सुनो, और ग्रे कलर की एसयूवी दिखे तो बताना। माँ, इसने मुझे मम्मी बोला है। अरे तो इसकी सच्ची की माँ थोड़ी ना। लेकिन जीजी, जब बबीता छोटी थी तो आपने जीजा जी को ऐसे ही मारा था ना, आज बबीता इस बच्ची में अपना बचपन देख रही है। अरे तुम लोग भावुक क्यों हो रहे हो? जी जी, क्या हम इस बच्ची को अपने साथ नहीं ले जा सकते? हाँ क्यों नहीं, इसे साथ में ले चलते हैं। नहीं, इसको मारो, इसको मारना बहुत जरूरी है। साथ ले चलते, छोटी सी बच्ची है, साथ ले। अरे वो भाग गई। अरे पकड़, ए रुक रुक रुक। मैडम, दूर हट बच्ची से। छोड़ दो ना, गोली मार दूंगी। दूर हट। तुम एम्बुलेंस को फोन करो। प्रमोद दोबारा शादी करके अपना घर बसाना चाहता था, ताकि उसे एक पत्नी मिल जाए और उसकी बेटी को एक माँ। ये ख्वाहिश गलत नहीं थी, पर इसे पूरा करने का जो तरीका प्रमोद ने चुना वो बेहद गलत था। अपने से कम उम्र की एक लड़की को खरीद कर अपने घर लाने का लालच उसकी जिंदगी पर भारी पड़ गया। तो शुक्र है कि मिनी की किस्मत अच्छी थी और उस मासूम की जान बच गई। ये तीनों औरतें अपना स्वार्थ साधने के लिए आदमियों को फंसाती थी और फिर उनकी हत्या करने में इन्हें मजा आता था। इनके लिए तो ये खेल बन चुका था, पर अफसोस प्रमोद जैसे लोग आसानी से इनका शिकार भी बन जाते थे।
इसीलिए हमारी कोशिश है कि आप देखें, समझें और सावधान रहें।